السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم معاف کیا کرو درگزر کیا, کرو کیا تم نَهِيَّ अल्लाह इज़्ज़त तुम्हें माफ़ फरमाएं और तुमसे दरगुजर फरमाए अदरात वकार मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों आज की इस नशिस्त का उनवान आप अहबाब ने सिमात फरमाया इस उनवान को समझने से पहले उन लोगों को अपना जहन बेदार रखना चाहिए कि जो ख़ास इस उनवान के मुखातिब हैं सुनेंगे सभी समझेंगे सभी अमल का इरादा सभी करेंगे लेकिन वो ख़ास अफराद जिनकी अमली ज़िंदगी के साथ इस इसवान का ताल्लुक है ऐसे सरबरा ऐसे ऐसेदार ऐसे मनसब के मालिक के जो अपने अहदे की ताकत में अपने मनसब के ज़ोम में अपनी ऊंचाई की तसवुर और बड़ाई के तस्वूर में जिसे जो चाहें जब चाहें सुना दें जिसे जहां चाहें जैसे चाहें टोक दें रोक दें ऐसे अफराद इस इसवान का खास मुखातिब हैं वो इस मे जो अपने ज़ेर तरबियत अफराद नौजवानों की हर लफ्जश पर हर खता पर हर ग़लती पर फौरी पकड़ करना अपने मनसब का फ़रीदा जानते और समझते हैं वो इस इसनवान के ख़ास मुख़ातिब हैं मेरी वो माएँ वो दादियाँ वो नानियाँ जो किसी घरानी की सरबरा हैं किसी खानदान की मोतबर शख्सियात में शामिल हैं जिनकी पसंद और नापसंद पूरे ख़ानदान के फ़ैसले की बुनियाद बन जाती है वो माएँ सास के रूप में हैं या माँ के रूप में हैं खाला के रूप में हैं कि भूपी के रूप में हैं किसी घराने की घर की सरबरा की मसनत पे फायज़ हैं वो भी इस इसवान का खास मुखातिब है कि ये तमाम अशासा और अफराद अपने नीचे और अपने पीछे चलने वाले लोगों की कहीं ज़ुबान हाल से इस पुकार का वो मुखातब तो नहीं है कि तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे तुम तो मुझे रास्ता नहीं देते चलने के लिए ये जितने भी अफराद जिनकी तरफ मैंने इशारा किया और जो इस तरह के तमाम तरखियारत रखने वाले लोग इसी किस्म में और इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं उनका मकसद क्या है बड़े होने का मतलब क्या है आगे आने का मतलब क्या है अहदे पे आने का मतलब क्या है किसी के सरबराही का मतलब क्या है रसूलुल्लाह के अल्फाज के मुताबिक कुल्लक मरा वकुल को रईयतिही तुम में से हर बड़ा तुम में से हर खानदान का वो फ़र्द जो बाप के दर्जे पे है इलाके के अंदर माशरे के अंदर वो शख्स जो उस्ताद और मम्म के तौर पे जाना जाता है लीडर के तौर पे सरबरा के तौर पे पहचाना जाता है वो अपने बारे में ये बात याद रखे कि वो अपने रया अपने मताहत अपने पीछे वाले अफराद के बारे में ज़िम्मेदार है उससे सवाल किया जाएगा सवाल की नोयीत क्या होगी क्या यही नोयत होगी कि तेरे पीछे जो थे वो बिगड़े क्यों हैं वो साथ क्यों नहीं चल सके तूने उनका क्या ख्याल किया हजराज सवाल की नीयत यह भी होगी कि जो बिगड़े थे उनको तुम सुधार क्यों नहीं सके जो ख़ता पे थे उनकी तुम असलाह क्यों ना कर पाए जो गलती और गुनाह पे थे तुम उनको सही रास्ता क्यों ना दिखा पाए जो खता के अंदर डूबे हुए थे तुम उनको अपने करीब क्यों ना कर पाए आइए ज़रा इसी बात को समझने के लिए कि जब हम किसी मुकाम पे खड़े होते हैं जब हम उस्ताद मुरबी मालम बनते हैं जब हम बड़े भाई बनते हैं जब हम बाप के ओहदे पे आते हैं जब हम उस्ताद के मुकाम पे आते हैं जब माँ कोई सास के मर्तबे पे पहुँचती है उसको अपने बारे में जैसा किस सूरत में लेना चाहिए कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी सही अदा कर रही या नहीं कर रही इसको समझना है तो आए दरा पीछे की तरफ चलें अहदीस मुबारक के औराक को पलटें तारीख के अदवार को गुजारें मस्जिद नबी की चार दीवारी के अंदर जरा अपने आप को तसर की निगाह से दीवारों के साथ खड़ा हुआ देखें और उसी मस्जिद के सहन के अंदर सिहाबा के मजमा को तसवुर में लाएं मस्जिद नबी की मन्नत पे बैठे हुए मेरे आका प्यारे हबीब ममसानत मुरबी इंसानत उस्ताद इंसानत उनको उस मसनत पर बराजमान देखें और इसी मसलत के अंदर इसी मजलस के अंदर इसी पाकिज़ा मजलस और महफल के अंदर इस आला तरीन जगह के अंदर मस्जिद नबी के पाकिज़ा माहौल के अंदर हजरत अबू उमामा फरमाते हैं एक नौजवान शख्स आता है वो इस मस्जिद में खड़ा होता है इन लोगों की सफ़ों में खड़ा होता है कि जो कायनात के पकीज़ा तरीन अफराद हैं कायनात के बेहतरीन अफराद हैं और वो इस मस्जिद की चार दीवारी में रसूल की महफिल मुझे आप इजाजत दे दीजिए मैं नमाजें पढ़ूंगा इबादत करूंगा रोजे रखूंगा और सारे तहारत के अमाल के अच्छाई के नेकी के काम करूंगा जन्नत के हसूल की तगोदो करूंगा लेकिन इसके साथ साथ मेरा मुद्दा और मुतालबा यह है आप मुझे जिना करने और बदकारी करने की इजाजत दे दीजिए जरा थोड़ी सी देर के लिए तस्वर करें मौका कौन सा है जगह कौन सी है शख्सियत किस तरह की है और यह नौजवान बात कैसी कर रहा है जज्बात उमदे आया सहाबा उठे डांटने लगे लगे रसूल ने कहा मेरे करीब बिठाया अल्लाह के, अल्ला के पैगम्बर ने उसको पास बिठा कर, करीब बिठा कर कहा बेजवान बता क्या कहता है दोबारा से जरा अपना मुतालबा पेश करना क्या इजाजत लेना चाहता है वो फिर से कहता है, है कंट्रोल नहीं कर पा रहा मुझे इजाजत दी जाए बदकारी और जना की अल्लाह के रसुल ने बड़े हौसले के साथ और बड़े आराम के साथ बड़ी बर्दाश्त के साथ और तहमुल के साथ उसके इस मुतालबा को मस्जिद नबी की सफों पर बैठ कर ने सुना है, न माथे पे तेवरी आई न जुबान परख्तगी आई न लहजे के अंदर गुस्सा उमडा न फरमाया मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ जवाब देगा जी जी रसूल आप सवाल कीजिए सल्हल वसलम अल्लाह के रसुलसम ने फरमाया जिस अमल की तू मुझसे इजाजत मांग रहा है तो हिब्बली क्या तू ये अमल अपनी वालदा के लिए पसंद करता है कि कोई तेरी वालदा के साथ ये अमल करने की इजाजत मांगे कहने लगा लाबल्ला ही या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं नहीं ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स अपनी वालदा के साथ किसी को बदफेली और बदकारी की इजाजत दे दे अल्लाह के रसूल मेरी जान मेरा माल आपकी जो कर्बान रसूलुल्लाह ने दूसरा सवाल किया अतुल बनाती का क्या इसी बदकारी के अमल को तू अपनी बेटी के लिए पसंद करेगा किसी अपनी बेटी के साथ इस अमल की इजाजत देगा वो फिर कहने लगा लावल्ला रसुल्लाई नहीं, 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 नहीं के रसुल सल्लम। कभी भी पसंद नहीं करूंगा कभी भी इजाजत नहीं दूंगा मेरी जान मेरा माल आप पे कुर्बान ऐसा मुमकिन ही नहीं फरमाया तो हुली उख्ती का अपनी बहन के लिए फिर यही जवाब फरमाया अपनी पुफी के लिए फिर यही जवाब कहा अपनी खाला के लिए फिर यही जवाब कहा जिस तरह तू अपने इन तमाम रिश्तों के साथ इस अमल को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता और पसंद नहीं करता उसी तरह दुनिया का कोई फर्द भी अपनी किसी अजीजा के लिए किसी के इस अमल को बर्दाश्त तो नहीं करता इतना फरमान और इतनी गुफ्तोशुनीत के बाद रसूलुल्लाह रसुल्लासम ने अपना हाथ मुबारक उठाया उसके सीने पे फेरा और सीने पे हाथ फेरने के साथ अल्लाह से बोले, अल्ला वतहिर फर्जा। ए अल्लाह इसकी गुनाहों खताओं गलतियों को माफ फरमा दे अल्लाह इसके दिल को पाक बना दे अल्लाह इसको अपनी इज्जत और किरदार के हिफाजत की तोफीक अता फरमा दे ये दुआया कलेमात जब कहे उसके सीने पर हाथ फेरा रवायात बतलाती है वो शख्स वहां से उठा फिर नौजवान जब तक जिंदा रहा मदीना की गलियों के अंदर किसी ने उसको आंख उठाकर किसी औरत की तरफ देखते देखा नहीं है ये वाकया मैंने और आपने सुन लिया और सर भी हिला दिया सुबहान अल्लाह भी बोल दिया लेकिन ज़रा थोड़ी सी देर के लिए मैंने जिन जिन को मुखातिब किया है मैंने जिन जिन को सबसे पहले खसूस तौर पर मुतव किया है ज़रा अपने आप को कटहरे में लेके आएँ इस वाक़ा को सामने रखें और देखिए हम खता करने वाले गुना करने वाले बदअमली करने वाले जुर्म करने वाले कोई भी गलती करने वाले किसी भी फर्द खास इंसान के साथ रिश्तेदार के साथ तल्लुक़ वाले के साथ नौजवान बेटे के साथ बेटी के साथ बहन के साथ भाई के साथ शगिरद के साथ मुलाजम के साथ उसकी गलती के बाद ऐसा ही रवैया इख्तियार करते हैं जैसा रसूलुल्लाह ने किया हम खताकार के साथ कैसे पेश आते हैं गलती करने वालों के साथ कैसे पेश आते हैं जब हम किसी मनसब पे पहुंचे मुकाम पे पहुंचे उस वक़्त क्या हमें याद रहता है कि यहाँ तक आते आते हमने कितनी ठोकरें खाई हैं यहाँ तक पहुँचे पहुँचते हम कितनी तरफा बहके और बटके हैं यहाँ तक आने से पहले इस मुकाम तक पहुँचने से पहले इस तजर्बाकारी तक आने से पहले हमने कितनी मरतबा लफ्जशों का इरतक किया है कोताही का इरतक किया है जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं हमारे सामने किसी बेटी से खता हो जाए किसी सास की बहू से खता हो जाए किसी उस्ताद के शगिरद से खता हो जाए वो उसको गलती करता देख ले गलती पे अड़ता हुआ देख ले तो उस वक़्त उसकी कैफियत और उसका किरदार और रवैया उसके साथ क्या होता है हम इसी तरह के माशरे का शिकार जहां पर नमक तेज हो जाए सालन का थोड़ा सा जायका बदल जाए शोहर समझता है मुझे बीवी के ऊपर पूरा हक है मैं खामन होने के नाते जिसके सामने जब चाहें इसको बोल सकता हूँ टोक सकता हूँ इसकी गलती को बयान कर सकता हूँ ये कपड़े वक़्त पे नहीं देती जूता वक्त पे पालिश नहीं करती ये खाना बनाना भूल जाती है रोटी अच्छी तरह पकाना भूल जाती है इन जुमलों का उसकी बीवी के दिल पर असर क्या है उसके जज्बात एहसास पर असर क्या है कभी खामद ने बैठ के सोचा है सास अपनी बहू के बारे में जब किसी गैर के सामने बैठकर मोहल्ले की खातिन के सामने बैठकर कर ये बताने पे आमादा होती है ये आज इतने बजे नहीं उठती ये फलां काम फलां वक्त पे नहीं करती इसके कामों में इतना वक्त इजाफी लग जाता है हम होती थी हम ये काम इतने वक्त में कर लिया करती थी हमारे मामला इतनी तरतीब के साथ तय पा पा जाया करते थे क्या वो सास कभी सोचती है कि इसके इन अल्फाज के साथ उसकी बहू के दिल की कैफियत क्या बन रही हम अपनी जगह पे खड़े होकर रसूलुल्लाह वसल्लम के इस वाकया को सुनकर जरा खुद भी अपने बारे में तय करें कि क्या यही हौसला हम में भी है इस हदीस मुबारका को मुफसरीन मुहद्दिसीन शारहन हदीस ने जब कुतुब हदीस में से निकाल कर इसकी शरा की तो कम से कम आठ किस्म के ऐसे किरदार हैं जो रसूल के इस अदीश मुबारक के अंदर नोट किए गए और बयान किए गए कि ये आठ किरदार हर बाप को समझने चाहिए हर उस्ताद को समझने चाहिए हर लीडर को समझने चाहिए हर निगरान को समझने चाहिए हर माँ को समझने चाहिए हर सास को समझने चाहिए हर सरबरा को समझने चाहिए अगर वो चाहता है मुआशरे में कोई किरदार अदा कर जाए अगर वो चाहता है नस्लों की तरबियत कर जाए अगर वो चाहता है अपने पीछे वाले आने वालों के लिए कोई रास्ता बना जाए कोई डगर तामीर कर जाए तो ये आठ किरदार जिनका खास तल्लक है सिर्फ खताकार और गुनागार लोगों के साथ कि किसी को गुना करता देखो किसी को खता पे देखो किसी को गलती पे देखो किसी के जुर्म और किसी के मामला पर तुम्हारी नजर पड़ जाए जो गलत है तो तुमने रवैया कौन सा अपनाना है सबसे पहली बात हौसला है देखने का हौसला है गलती को बर्दाश्त करने का आइए कितने हौसले के साथ कितनी बर्दाश्त के साथ कितने तहमुल के साथ कितने बड़े दिल के साथ मस्जिद नबी की सफों में खड़े होकर उस शख्स की जुबान से निकला हुआ यह जुमला रसुल्ला ने सुना न आपकी आवाज बदली ना आपके माथे पे तेवरी आई ना आपकी आंखों में गुस्सा उमडा ना अल्लाह के पैगम्बर सासम के प्यार और राहमत का और नरमी का अंदाज बदला बड़े हौसले के साथ दोबारा खुद से रसूलुल्लाह वसल्लम ने उसे पास बैठा के पूछा बेटे बता क्या चाहता है क्या मुतालबा लेके आया है पहला पैगाम और दरस क्या है अगर बड़े हो तो दिल भी बड़ा करो अगर आगे लगे हो हौसला भी आगे लेके आओ अगर तुम्हारे पास मनसब और कुव्वत है तो बर्दाश्त भी उतनी ही होनी चाहिए ताकि तुम नौजवानों की गलतियों को देखकर फौरी गुस्से में आ जाने की बजाय भड़क जाने की बजाय और अपने दिल को तंग कर लेने की बजाय और जुबान से गुस्से के कलेमात अदा करने की बजाय तुम उसके मामला को समझने के लिए और उसकी गलतियों की असलाह के लिए अपने दिल और जहन को सही इस्तेमाल कर सको दूसरा किरदार क्या हर बाप हर उस्ताद, हर सास उसने अपनी शख्सियत को अपने मताहत के लिए अपने छोटे के लिए अपनी औलाद के लिए अपनी बहू के लिए ऐसा प्यारा बनाया है कि वो जिस तरह का भी चाहे मशवरा और मामला अपने बड़े के साथ आके डिस्कस कर सके उसको आके बता सके ये नौजवान है इसे पता है ये जुर्म है गुनाह है खता है गलती है कबीरा गुनाहों में है लेकिन रसूलुल्लाह की शख्सियत की जाजबियत देखिए नबी पाक सल्लम की दिलों के अंदर गिरफ्त देखिए अल्लाह के पैगंबर सल्लम की इंसान के दिल के अंदर और मुसलमानों के दिल के अंदर एक कशश देखिए कि उस नौजवान को रसोल्ला से ये बात करते हुए रोब और हैबत और खौफ महसूस है। नहीं हो रहा आइए जहां हम खड़े हैं जहां हम आगे हैं वहां जायजा लीजिए अपना कि क्या कोई भी आपका मताहत आपसे छोटा आपका शगीर आपका बेटा बेटी बहन बहू वो अपने घर के अंदर उसको आपके साथ अपने ताल्लुक के अंदर ये पजीराई नजर आती है कि वो जहां उलझने लगे जहां बहकने लगे जहां बिखरने लगे जहां टूटने लगे जहां गिरने लगे वो हौसला और हिम्मत करके आके आपको बता सके मेरे मामला के अंदर ये खराबियां पैदा हो रही बतलाइए इनसे मैं बचूं तो किस तरह बचूं निकलूं तो किस तरह निकलूं या फिर आपके माथे की तेवरी जुबान की सख्ती रोब और हैबत की कैफियत गुस्से और डांट की कैफियत उसके कदम को वही रोक लेती और जुबान हाल से यही इशारा देती कि तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे तुम तो रास्ता नहीं देते मुझे चलने के लिए इन्होंने जिंदगी की डगर कहां से सीखनी है इनकी उंगलियां पकड़कर किसने चलाना है इनके बटके हुए कदमों को राह रास्ते किसने लाना है इनके किरदार अखलाक की सिफाइयां किसने करनी है ये माशरे का बहुत बड़ा मसला है जो बच्चे जो औलाद जो शागिर, जो छोटे अपने बड़ों के साथ गुफ्तगु और मामलात के अंदर इस तरह की सारी चीजों को आपस में डिस्कस करने और शेयर करने का हौसला नहीं रखते वही शिकार होते हैं माशरे के बेड़ियों का वही शिकार होते हैं बदनीयतों की बदनीयती का वही शिकार होते हैं इस तरह के गंदे और गलीज़ गलीजन और सोच रखने वाले अफरा का आइए अपने ताल्लुक के अंदर यह हुसन पैदा कीजिए रसूलुल्लाह के किरदार से यह सलीका सीखिए कि कोई जहां भी है जैसे भी है जिस मसले में भी उलझा है उसे अगर रहनुमाई की जरूरत पड़े तो वो बिला झिझक आपके साथ आके बात कर सके जब तक अपने ताल्लुक के अंदर आप यह खूबसूरती पैदा नहीं करते आप नस्लों की रुकावट हैं, आप बच्चों की राह का रोड़ा हैं आप बच्चों के लिए एक ऐसी चट्टान है जिससे वो सर पटक पटक के फोड़ तो सकते हैं लेकिन आपसे ना कोई किरदार सीख सकते ना आपसे कोई राह पा सकते ना आपसे किसी किस्म की कोई तरबियत ले सकते आइए परखिए तीसरा किरदार जो नबी पाक सल्लम के इस रवैये और अमल से सिहाबा राम ने सीखा ताब इन ने जाना कि जब कोई बुराई करता है तो सिर्फ उसके किरदार में बुराई ही तो नहीं होती ना अँ जी सास अगर कपड़े अच्छे नहीं धोती आपकी नस्लों को तो परवान चढ़ा रही सफाई वक़्त पे नहीं करती आपके बेटे की गैरत का तहफ्ज तो कर रही दीगर मामलात के अंदर जहां आपको दस उससे शिकायतें होंगी पचास उसके अंदर खूबियां भी तो होंगी कि नहीं आप बड़े कैसे हैं आपने जिंदगी से क्या सीखा है आपने बाल सफेद कहां किए हैं अगर आप सिर्फ खताओं पे नजर रखते हैं सिर्फ गलतियों पे नजर रखते हैं सिर्फ बुराइयों पे नजर रखते हैं तो किसी कहने वाले ने कितना बड़ा जुमला बोला था कि जिसकी ज़ुबान से हमेशा सिर्फ तनकीद निकलती है शिकायत आती है उसकी मिसाल उस मक्खी की है जो पूरे वजूद में से सिर्फ उसी जगह पे आके बैठती है जहां से पीप बह रही हो जहां से गंदगी निकल रही हो पूरा वजूद फरामोश पूरे किरदार फरामोश शिकायत एक आदत की शिकायत दो आदतों की शिकायत तीन आदतों की जरा अपने घरों में जाकर जिन जिन से आपको किसी भी खता और गलती की शिकायत है उनकी खामियां एक तरफ लिखिएगा, उनकी खूबियां एक तरफ लिखिएगा, रब्बे काबा की कसम है खूबियों की तादाद कई गुना ज्यादा होगी और खामियां उसके मुकाबला पे कई गुना कम होंगी लेकिन हम करते क्या है हम खामियां याद रखते हम गलतियां तलाश करते हम गलतियों को खोजने की फिक्र में रहते हम बदगुमानी की बुनियाद पे न करदा गलतियों को भी और न किए हुए जराइम को भी उनके ऊपर थोपने की फिक्र में रहते हैं और जो उनकी खूबियां हैं उनको छुपाने और मिटाने की तगदों में रहते हैं रसुल्ला ने क्या किया जहां लोगों ने देखा गुस्से में आए जज्बात में आए कि यह शख्स इसे पता नहीं चल रहा कि मस्जिद के अंदर खड़ा होके क्या जुमला बोल रहा है किसके सामने क्या इजाजत मांग रहा है वो गुस्से में आए इसकी इस गलती पर इसे पकड़ने के लिए डांटने के लिए इसे दत्कारने के लिए वहां रसूलुल्लाह ने देखा तो क्या देखा रसूलुल्लाह ससम की नजर गई तो किस पे गई ये जितना भी बुरा है लेकिन इसे इतना एहसास है कि मुझे जब तक शरीयत इजाजत ना दे उतनी देर तक मैं ये अमल कर सकता नहीं करना होता तो छुपके कर लेता मुजरिम होता तो बदकारियां जहां मर्जी करता रहता इजाजत लेने क्यों आया है पूछने क्यों आया है सवाल करने क्यों आया है भला गुनाह की भी कोई इजाजत लेता है वो दरअसल गुनाह की इजाजत लेने नहीं आया था परेशान और पशेमान था कि बावजूद इस एहसास के कि ये जना कबीरा गुनाह है सजा इसकी बहुत बड़ी है बंदा मार दिया जाता संसार कर दिया जाता या इलाका बदर कर दिया जाता है इन सारी सजाओं को जानने के बाद और इसकी बुराइयों को समझने के बाद भी वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा चलो अगर मेरा नफ्स नहीं बदलता तो मैं रसूलुल्लाह से जाके इजाजत ही ले लू वो गुनागार नहीं था जहां लोगों की नजर गुना की नहुसत पे जा रही थी वहां रसूलुल्लाह की नजर गई तो किस गहरी खूबी पे गई और किस सोच और फिक्र पे गई कि इसे अगर इजाजत लेने की फिक्र आई है तो अल्लाह के डर से आई है ना शरीयत के एहतराम की वजह से आई है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जाहिर होने वाली बुराई को नहीं देखा उसके इस अंदाज और तरीके पर फैसला नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर छुपी हुई खूबी को तलाश किया आप भी देखिए जो खताकार है गुनागार है गलती कर रहा है कहीं बेचारा ला इल्मी में तो नहीं कर रहा नदानी और जहालत में तो नहीं कर रहा उस गलती को मिटाने के लिए किरदार अदा कीजिए इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर भी उस वक्त भी कि जब एक शख्स को एक बार नहीं कई बार लाया गया शराब पीने के जुर्म में हद उस पर लगाई गई सजा उसको दी गई एक बार दो बार तीन बार चार बार मुतद मरतबा तो गालिबन हजरत थे या कोई और से हाबी थे कहने लगे अल्लाह की की तुझ पे फटकार, की तुझ फटकार, अल्लाह के लानत तुझे शर्म नहीं आती कितनी मरतबा शराब पिएगा और कितनी मरतबा दोबारा से लाया जाएगा जहां नजर जा रही थी उसकी खता पे उसकी गलती पर और उस गलती की वजह से उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था उसके लिए दिल सख्त हो रहा था उसके लिए जुबान के जुमले करख्त हो रहे थे ऐसे मौका पर रसूलुल्लाह ने बोला तो कैसा प्यारा जुमला बोला कहा खामोश लात नफ्सु मुहमदी इन खबरदार इसको कुछ न कहना मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद और रसूल की जान है यह बंदा शराब तो जरूर पीता है इस अमल के अंदर कोताही तो जरूर करता है कई बार कर चुका है लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत भी बड़ी करता है किसी की खामियां किसी की खराबियां किसी की गलतियां उसके किरदार के अंदर अखलाक के अंदर मौजूद खूबियों को मिटाने का जरिया बनती नहीं है आइए टटोलिए अपने आप को जायजा लीजिए बिलखसूस बुजुर्ग जायजा लें उस्ताद जायजा लें लीडर जायजा लें निगरान जायजा लें सास जायजा लें कि आपको अपने अपने मताहतों से जिन जिन मामलात पे शिकायत हैं उनके क्या मामलात के अंदर किरदार अखलात के अंदर उसके मुकाबला में खूबियां ज्यादा मौजूद नहीं आप अगर उनसे नफरत कर रहे हैं उनकी किसी गलती की वजह से तो उनके साथ हमदर्दी करने की वजूहत उनमें मौजूद नहीं यही है सबक यही है दरस यही है इस वाकया के मामला जो रसूल से सब ने सिहाबा के सामने पेश किए हजरात इससे आगे बढ़िए अगला कदम जो रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया आज हमें समझना चाहिए आज हमारी मजलस के अंदर हमारे करीब कौन है हम अपने पास किसे बिठाते हैं हम शाबाश किसे देते हैं हम पदीराई किसकी करते हैं हम जुबान पे तारीफ के नाम किसके लिए लाते हैं जो क्लास में सबसे पहले नंबर पे आता है जो बेटा सबसे अच्छा सबक याद करता है और जो नहीं करता वो बेटा बेटा नहीं जो ज्यादा नंबर नहीं लाता वो तालब इलम तालबिल्म नहीं वो शागिर्द शागिर्द नहीं जो बहू सास के पाँव ज्यादा नहीं दबा सकती क्या वो बहू नहीं वो बेटे की दुल्हन नहीं रसूलुल्लाह वसल्लम ने सारे सहाबा को पीछे करके कहा पीछे हो जाओ और ये नहीं कहा निकाल दो इसे इसे मस्जिद के आदाब का नहीं पता निकाल दो इसे इसे रसूलुल्लाह की महफल की तहरीम और ताजीम का नहीं पता इसे उस्ताद की कदरों कीमत का नहीं पता इसे हमारी पसंद ना पसंद का एहसास नहीं निकाल दो दूर कर दो कुछ नहीं आता इसको मेरे पास आने दो कभी ये तरीका तो अपना के देखें कभी बिगड़े हुए बहके हुए बटके हुए जिद पे अड़े हुए और किसी तरह के भी जुर्म के अंदर फंसे हुए लोगों के साथ अपने रवैयों को प्यार और मोहब्बत से और उनको अपने करीब करके और उनके हाथ को पकड़ के थपथपा के देखें तो सही नतीजा क्या निकलता है रसूलुल्लाह के सिखाने का अंदाज यही था जहां तरबियत करनी होती थी वहां दूरी नहीं होती थी डांट नहीं होती थी गुस्सा नहीं होता था बुगस नहीं होता था वहां मोहब्बत होती थी दरगुजर होती थी वहां प्यार होता था वहां करीब किया जाता था हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को सिखाया हाथ पकड़ा उसके हाथ के ऊपर दोनों हाथों के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजतन का हाथ लेकर फिर आपको दुआ सिखा जितने भी अंदाज हैं रसूलुल्लाह के किसी को सिखाने के बतलाने पढ़ाने के उनका जाके जायजा लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाने के अंदाज में और सिखाने के वक्त के अंदर हमेशा अगर नजर आया है तो प्यार नजर आया है आप डांटने की कैफियत में हो और समझे कि मैं तरबियत कर रहा आप झिड़क रहे हो और समझे कि मैं इसकी गलती को मिटाना चाहता आप उसको गुस्सा दिखा रहे हो और समझेंगे कि मेरे गुस्से की वजह से इसे समझ आ जाएगी नामुमकिन बात है अगर किसी को समझाना है किसी के किरदार को बदलना है किसी की तरबियत करनी है किसी की गलती कोताही को दूर करना है तो पहले अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए उसकी गलती को बर्दाश्त करने का और गलती के बावजूद उसको प्यार दिखलाने का उसको मोहब्बत दिखलाने का इसीलिए रसुल्लासम ने कहा छोड़ो इसे इसे मेरे पास आने दो और फिर पास बुलाया सिर्फ बुलाया ही नहीं यहां तक महदसिन ने नोट किया अजलसहू बिजवारी ही पास मौजूद सिहाबा को पीछे करके अपने साथ अल्लाह के पैगंबर सासम ने उसको बिठा दिया कि आ भाई यहां मेरे पास आ, और हम क्या करेंगे हमारा रवैया क्या है एक बार बात न मानने वाला महीना महीना हम उसे बुलाना गवारा नहीं करते एक मरतबा कोई गलती दोहरा देने वाला हमारा गुस्सा उससे कई कई दिन के लिए खत्म नहीं होता घरों में जाए खानदान में जाए रिश्तों को टटोले नातों को टटोले अपने इस तरह के अफरा जो आपके मताहत आपसे छोटे आपसे पीछे हैं उनके साथ अपने इस रवैये को जांचें और परखें कि क्या उनकी गलती के बावजूद उनको प्यार देने का हौसला आप में है उनको करीब करने की हिम्मत आप में है अगर है तो वाकई आप उनकी तरबियत कर रहे हैं, वाकई आप उनको बड़ा बन के दिखा रहे हैं, वाकई आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, वाकई आप उनको फायदा दे रहे हैं, और अगर यह हौसला नहीं तो फिर यही मसला है जो उनवान के अल्फाज हैं कि तुम तो रास्ता नहीं देते मुझे चलने के लिए पास बुलाया करीब बिठाया और उसके बाद उसकी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसे बड़े प्यारे कलेमा के साथ डांट के साथ नहीं गुस्से के साथ नहीं उन चीजों के साथ जिससे वाकई वो खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाता क्या कहा वालिदा का नाम लिया बेटी बहन का नाम लिया हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई अखलाक और खूबियां मौजूद होती हैं उनको तलाश करें उन खूबियों को ढूंढें अगर किसी मां को किसी घर की औरत सरबरा को पचास साठ साल गुजारने के बाद भी यह हुनर नहीं आया कि आने वाली बहू को घर के अंदर बेटी का दर्जा कैसे दिया जा सकता है इसके अंदर अगर कोई कमी मौजूद है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है तो बात का गुस्सा न कीजिएगा इस बात पे बुरा न मनाइएगा माँ जी जिंदगी आपने गाल दी है गुजारी नहीं और सीखा कुछ नहीं बड़े होके जाना कुछ नहीं बाप और बुजुर्ग का उस्ताद अगर किसी के साथ दो साल पांच साल दस साल गुजारने के बाद भी किसी बच्चे के अंदर ये खूबियां तलाश नहीं कर पाया कि इसको किसी भी चीज से रोकने के लिए मैं कौन सा तरीका इख्तियार करूं तो ये मेरी बात सुन लेगा मेरी बात कबूल कर लेगा तो मादरत के साथ ना उसे उस्ताद बनना आया है ना उसे बाप बनना आया है आपकी उम्र का क्या फायदा आपके सफेद बालों का क्या मतलब आपका तजर्बा किस बट्टी में जलाने के लिए है आपके मुशाहदे का क्या मकसद है अगर आप बिगड़े हुओं को इसलाह करने के असबाब नहीं तलाश कर सकते नाराज हुए लोगों को राजी करने की फिक्र नहीं कर सकते आज जाइए जरा जाके पता कीजिए हमारे माशरे के अंदर जो रिश्ते टूट रहे घर बिखर रहे तलाक की शराह में इजाफा हो रहा उनके अंदर सबसे बड़ा और नुमाया किरदार अगर नजर आएगा तो दोनों तरफ के घरानों के बड़ों का नजर आएगा दोनों तरफ के बुजुर्गों का नजर आएगा मैं बुजुर्गों के साथ कोई बदतहजीबी का अंदाज अपनाना नहीं चाहता और यह मेरे लिए लायक और मुनासिब भी नहीं हर बुजुर्ग हर बड़ा हमारे लिए काबिल है इज्जत और तकरीम उसकी हमारे ईमान का हिस्सा है लेकिन मादरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है आप जांच लेते हैं बाप लेते हैं जो इतने करो फर के साथ इतना अपनी खाश के अंदर डूबा हुआ आया है कि उसे जना का नाम लेते झिझक नहीं आ रही जना की इजाजत लेते शर्म नहीं आ रही वो गुना के अंदर और गुना के इरादे के अंदर इतना आगे तक पहुंच चुका है मेरे प्यारा आका के अंदर फिर भी इतनी हिकमतों मौजूद है इतनी दनाई है। इतनी दनाई मौजूद है है जो अकल और फरासत फाहम मौजूद है कि आप देख लेते हैं कि इसको भी राह लाना है तो किस तरह लेके आना है आप अगर घर में नचाकी होने के बाद अपने बेटे को ना समझा सके बेटे तलाक ना दे अपनी बीवी को बसाने के लिए यह किरदार ये तरीका यह ये अंदाज अपना ये, ये अंदाज तरीके इस्तेमाल कर और बेटी को बिठाकर ये यह ना समझा सके अपने घर को बचाने के लिए यह ये ये रवश अपना यह ये, ये खामियां खत्म कर इन इन खूबियों पे गौर कर इस इस किरदार को अपने अंदर जिंदा कर अगर माँ अपनी बेटी को यह दबक नहीं दे सकती है अपने घर की हिफाजत के गुर नहीं सिखा सकती है बाप अपने बेटे को अपना घर संभालने का तरीका सलीका नहीं सिखला सकता है तो बतलाइए इस तजर्बे का करें तो करें क्या ये हमारे मुआशरे के वो अलमिये हैं जिनमें हमें जरूरत है बड़ों से बड़े किरदार की उस्तादों से उस्तादी की तरबियत की इनकी गहरी नजर की इनकी गहरी नजर गलतियां निकालने पे नहीं होनी चाहिए इनकी गहरी नजर खामियां तलाश करने पे नहीं होनी चाहिए इनकी गहरी नजर भटके हुए कदमों पे नहीं पढ़नी चाहिए इनकी गहरी नजर पढ़नी चाहिए तो अंदर किरदार अखलाक के अंदर मौजूद और छुपी हुई कहीं खूबियों उन चंगारियों उन चंगारियों को फूके मारे फूके मार मार करोजानों को खड़ा करें जो मुआरे के लिए एक दीवार बन सके जो एक ईट का किरदार अदा कर सके और इस मुआरे के अंदर सही साल इंसान के रूप में देखे जा सके अगर किसी माँ और बाप और उसाद और मुरबी और बड़े और लीडर और सरबारा के अंदर ये हौसला नहीं है तो खुदारा ये मसन छोड़ दो पीछे आ जाओ किसी और को ला के खड़ा करके कोई काम करने दो तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे तुम तो रास्ता नहीं देते मुझे चलने के लिए यह शिकवा आपसे है यह शिकायत आपसे है बिगड़े हुए नौजवान इस मुआशरे की बर्बादी का सबब नहीं बिगड़ी हुई नौजवान बेटियां इस मुआरे की बर्बादी का सबब नहीं जितना बोझ है जितना जोर है नौजवान नस्लों पे कि ये सुनते नहीं हैं, सुनाने का तरीका तो लेके आए ये समझते नहीं हैं, समझाने का सलीका तो लेके आए ये बात मानते नहीं हैं, मनवाने का अंदाज तो सीख के आए आइए जाके टिए अपने आप को ये पांच और साफ हमने रसूल पाक की सीरत से पढ़े हैं ये किसी मुबसर का तबसरा नहीं है ये किसी हकीम का मशवरा नहीं है ये किसी इंसान का जारी किरदार नहीं है ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूल की सुन्नत और तरीके हैं ऐसे बनते हैं मुआरे ऐसे होती है तरबियत और उसके बाद फिर अगले मरहले पे आइए जब उसके अंदर ये खूबी देख ली ये डिगर देख ली कि अब वो सोचने पे अमादा है समझने पे अमादा है अब वो सोच रहा है गौर कर रहा है मेरा अमल बुरा कितना है मेरी सोच बुरी कितनी है इसमें नुकसान कितना है ये आग जो लगाऊंगा मेरे ही घर को जलाएगी ये आदत जो अपनाऊंगा मेरे ही घर को आके गिराए और बिगाड़ेगी उस वक्त सोचने पर मजबूर हुआ नजर और निगाह को झुका लिया जुबान से जो जुमले बोल रहा था बिजना उसी जुबान से जुमले निकल रहे हैं मेरी मां भी कुर्बान मेरा बाप भी कुर्बान मेरी जान भी कुर्बान मेरा माल भी कुर्बान ए मेरे आका जो आप कह रहे हैं बजा फरमा रहे हैं पहले क्या रवश और बाद में कैसी जाने सारी पहले क्या तरीका और बाद में कैसे सब कुछ कुर्बान कर रहा ऐसे मौका पर नबी पाक सब ने अपना हाथ मुबारक उसके सीने पे फेरा और यहां दोनों बातें लिखी हैं कि ये मुआवजा भी है रसूलुल्लाह का और ये तरीका और उसलूब भी है समझते हुए इंसान को मजीद अपने करीब करने का शाबाश दो ना सर पे हाथ फेरो ना हाथ पकड़ के पास बिठाओ ना गलती के बावजूद उसको प्यार दिखलाओ ना उसके कंधे पे माथे पे प्यार करो ना और फिर बात करके देखो किसान भी जब तक जमीन को नरम नहीं कर लेता उसमें बीज डालता नहीं जमीन तो नरम करो गोटी तो करो जब ये देखा हाथ पेरा सीने पे और साथ क्या किया अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हुए दुआ के अल्फाज बोलती दिए आज कितने ऐसे वालदेन है कितने ऐसे उस्ताद हैं कौन सी ऐसी सास है जिसको फिक्र है अपने घर की असलाह की और वो रात को मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करती है तो अपनी बहू के लिए करती है कोई लाके दिखाए माशा रसूल ने बाद में आखिरी उसलूब और तरीका क्या अपनाया दुआ करने का आप बिगड़े हुए के लिए दुआ करने का हौसला रखते हैं नाफरमानों के लिए दुआ का हौसला रखते हैं आप दुआ करने की हिम्मत और प्यार और जज्बा रखते हैं और दुआ भी फिर बेदिली के साथ नहीं बेदिली की दुआ तो अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाते मोहब्बत के साथ प्यार के साथ उम्मीद के साथ आस के साथ तड़प के साथ ये मेरा बच्चा है ये मेरी बहू है ये मेरा शगिर्द है ये मेरा अजीज है ये मेरा साथी है ये मेरा मुलाजम है ये मेरा नौकर है ये मेरा मताहत है अल्लाह इसे दुरुस्त होने की तोहफी अता फरमा दे अपने लिए तो दुआ होगी औलाद के लिए तो दुआ होगी जरा औलाद के दायरे से निकलकर दामाद और बहू की तरफ ही आके देख लें हमारे मुआरे का तरीका क्या है सास शिकायतें लगाती नजर आएगी बहू के लिए दुआ करती हुई सास किसी की नजर में है तो आके बयान कर दे रसूलुल्लाह ने क्या किया सीने पे हाथ पेरा प्यार दिखाया पदीराई दिखाई और कहा अल्लाह इसकी खताओं को माफ कर दे अल्लाह इसके दिल को पकीज की अता फरमा दे अल्लाह इसको किरदार की पुख्तगी अता फरमा दे और यहां भी लिखा यह भी तरीका है आप जिसकी असलाह चाहते हैं वो आपका नाफरमान है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं वो आपकी इज्जत और नहीं करता आप उसी के सामने उसको सुना सुना कर उसके लिए अल्लाह से अल्तजाएं करें देखें फिर अल्लाह कैसे दिल की दुनिया बदलते हैं डांट ना सुनाए दुआ सुना दे फटकार ना सुनाए दुआ सुना दें, गुस्सा ना दिखाएं, प्यार दिखा दें, इस तरह के दुआ कलेमात, जो उसके किरदार के लिए जरूरी हैं, वो उसको सुनाकर उसके सामने अल्लाह के हुजूर बोले देखिए फिर इन बिगड़े हुए कदमों की वापसी होती है कि नहीं होती ये बदली हुई सोच वापस आपके पास आती है कि नहीं आती है यह नौजवान जो आज किसी और डगर पे जा रहे हैं यह आपके कहने में आते हैं कि नहीं आते अगर आप ये तरीके नहीं अपनाते तो फिर इसी आप का मुखातिब हैं तुम क्या मुझे नई मंजिलों की खबर दोगे तुम तो रास्ता नहीं मुते देते चलने के लिए अकूल अकौली हाला अस्तफ़िरल्ल वली सारम्न वसलम वरम